डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पेज नंबर 88 सम 21 के पार्ट करेंगे ई टू एच। ई पार्ट स्टूडेंट्स, अमित स्पेंड्स आरएस 12.06 फॉर आइसक्रीम। अमित आइसक्रीम के लिए 12.06 रुपीज खर्च करता है, स्पेंड्स में से खर्च करना। आरएस 63.24 फॉर स्नैक्स, और स्नैक्स के लिए 63.24 रुपीज खर्च करता है। एंड 90.90 फॉर ए मूवी टिकट, और एक मूवी टिकट खरीदने के लिए 90.90 खर्च करता है। हाउ मच डज ही स्पेंड इन ऑल, वह कुल मिलाकर कितना खर्च करता है, तो टोटल या इन ऑल आ गया, तो सीधी बात है इनको हमने ऐड करना पड़ेगा जब हमें पता चलेगा। लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट लिखनी है इसमें, अमित स्पेंड्स फॉर आइसक्रीम इक्वल टू आरएस 12.06, अमित स्पेंड्स फॉर स्नैक्स इक्वल टू आरएस 63.24, अमित स्पेंड्स फॉर ए मूवी टिकट इक्वल टू आर एस 90.90। सो अमित स्पेंड्स इन ऑल, तो अमित टोटल कितना खर्च करता है या सभी पर कितना खर्च करता है इनको ऐड करेंगे। सिक्स में फोर ऐड किया, जीरो, या टेन, टेन की जीरो, बचा वन। टू में वन ऐड किया, थ्री, थ्री में नाइन ऐड किया, ट्वेल्व, ट्वेल्व की का टू, बचा वन। टू में वन ऐड किया, थ्री, थ्री में थ्री ऐड किया, सिक्स, सिक्स में जीरो ऐड किया, सिक्स। वन में सिक्स ऐड किया, सेवन, और सेवन में नाइन ऐड किया, सिक्सटीन। आरएस आर एस 166.20 वो सभी में मिलाकर खर्च करता है। अब एफ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एफ पार्ट स्टूडेंट्स, हैरी हैज थ्री पीसेज ऑफ वुड, हैरी के पास लकड़ी के तीन टुकड़े हैं, मेजरिंग लेंथ्स, जिनकी लंबाई है 2.46 मीटर, 1.35 मीटर एंड 0.92 मीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वुड पीसेज, लकड़ी के टुकड़ों की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल मीन्स तीनों को ऐड करना। लेंथ ऑफ ए फर्स्ट पीस ऑफ ए वुड इक्वल टू 2.46 मीटर, लेंथ ऑफ ए सेकेंड पीस ऑफ वुड इक्वल टू 1.35 मीटर, लेंथ ऑफ ए थर्ड पीस ऑफ ए वुड इक्वल टू 0.92 मीटर। अब टोटल, सो टोटल लेंथ ऑफ द वुड पीसेज इक्वल टू, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। सिक्स में फाइव ऐड किया, इलेवन, इलेवन में टू ऐड किया, थर्टीन, कैरी वन बचा। फोर में वन ऐड किया, फाइव, फाइव में थ्री ऐड किया, एट,
एट में नाइन ऐड किया 17, 17 का 7, फिर कैरी 1 बच गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4.73 मीटर टोटल लेंथ ऑफ ए बबुल पीसेज होगा स्टूडेंट्स। अब जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट है स्टूडेंट्स, ए मैन वेग 97.5 केजी, एक आदमी का वजन 97.5 केजी है। आफ्टर सम मंथ से कुछ महीनों के बाद ही लॉसेस 13.8 केजी, उसका वजन 13.8 केजी कम हो जाता है, लॉस मीन्स कम होना। हाउ मच डज ही वेग नाउ, अब उसका वजन कितना है। वेग ऑफ ए मैन इक्वल टू 97.5 केजी, ही लॉसेज वेग आफ्टर सम मंथ्स इक्वल टू 13.8 केजी। हाउ मच डज ही वेग नाउ, सो हिज वेग नाउ, इसलिए उसका वेग अब है कितना होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 15 में से 8 माइनस किया 7, इधर कितना बच गया फिर 6, 6 में से 3 माइनस किया 3, और यहाँ है 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, 83.7 केजी उसका अब वजन होगा। ये जी पार्ट होगा स्टूडेंट्स। अब एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट है स्टूडेंट्स, नैन्सी हैज ए लेस मेजरिंग 16.7 मीटर, नैन्सी के पास एक लेस है 16.7 मीटर लंबी। लेस क्या होता है, किसी भी चीज के किनारे पे कोई फैंसी चीज लगाते हैं तो उसको लेस बोल देते हैं। सी वांट्स टू कट आउट ए पीस ऑफ 8.45 मीटर लेंथ फ्रॉम इट, वह इसमें से 8.45 मीटर का एक टुकड़ा काटना चाहती है। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट विद नैन्सी, तो नैन्सी के पास कितनी लेस शेष बचेगी, तो कैसे निकालेंगे। नैन्सी हैज ए लेस मेजरिंग इक्वल टू 16.70 मीटर, सी वांट्स टू कट ए पीस फ्रॉम इट इक्वल टू 8.45 मीटर, वह इसमें से 8.45 मीटर का एक टुकड़ा काटना चाहती है। सो द लेस विल बी लेफ्ट विद हर, नैन्सी की जगह हम इसका प्रोनाउन यूज करेंगे हर, तो कितना बचेगा। टोटल ये थी, ये उसमें से कट कर ली, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने उसके पास शेष बचे। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 4 माइनस किया 2, और 16 में से 8 माइनस किया 8, 8.25 मीटर लेस उसके पास बचेगी। और इसी के साथ अपना 21st सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।